Phone Fix Hyderabad, a professional mobile repair training center, and ISO 9001:2015. बनाया जाता है तो आपको ज्वाइन करना होगा फोन फिक्स हैदराबाद. क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स है कमेंट करते हैं, सर हमने आईसी तो चेंज कर दिया है फिर भी उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा है. तो फ्रेंड्स हर बार आईसी का फॉल्ट नहीं होता है, सप्लायरों का भी फॉल्ट होता है, लाइन भी ट्रेस करनी होती है आपको, आईसी के पैड भी चेक करने होते हैं, उसकी आई टू सी लाइन भी चेक करनी होती है, एसपीआई लाइन हो तो उसे चेक करना होता है, उसकी इनेबल पिन चेक करनी होती है, उसकी स्विचिंग लाइन चेक करनी होती है, उसके आसपास के कंपोनेंट चेक करने होते हैं, इनपुट आउटपुट के ट्रैक्स चेक करने होते हैं, बहुत कुछ होता है देखने के लिए. सिर्फ आईसी बदलने से ही हमारा काम नहीं होता है फ्रेंड्स. और ये जो बनाया है फ्रेंड्स हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक हैंडसेट है, ये एक डायग्राम मैंने ले लिया है रेडमी नोट 5 प्रो का. और अगर आप इसमें बात करेंगे जो एसएमबी आईसी है यहाँ पे U701, यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग आईसी. तो यहाँ पे हम जाके डालेंगे U701 और इसे नेक्स्ट करेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये SMB1351 यहाँ पे एक आईसी है, जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यूएसबी इसमें यूएसबी वीबस जो कि हमारा 5 वोल्ट होता है 3 और 3 6 पिनों पे इन हो रहा है. जैसे आप देख सकते हैं 40 से लेके आपको 41 42 47 48 49 जो कि हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है वही सारी चीज यहाँ देख सकते हैं आप. इसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके फिर आपको वहां पे बताऊंगा. जैसे 5 वोल्ट इन होता है तो यहाँ पे आपको पीएमआईडी के ऊपर ये 5 वोल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आईसी निकाले बगैर आपको चेक करना है कि आईसी में वोल्टेज गया कि नहीं गया, तो आप इस वाले कैप पे चेक कर सकते हैं. इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 46 पे आई टू सी लाइन आ रही है यहाँ पे, जिसमें हम सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक की लाइन होती है जो सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई टू सी लाइन में 2 सप्लाई होती है. इसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे इनेबल एक लाइन रखी गई है जो कि चार्जिंग का स्टेटस को इनेबल करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. इसके अलावा बूट पावर करके एक 100K के रजिस्टर के साथ एक लाइन रखी गई है जो कि एक नंबर पे SUSP जो कि यहाँ पे आ रही है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक नंबर पे यहाँ पे बनाया है SUSP. इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप 31 पे यूएसबी की पिन यूज नहीं की गई है, एनसी रखी गई है. और यहाँ पे फेड ड्राइवर जिसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ड्राइवर बोलते हैं, ये वाली पिन भी यहाँ पे यूज नहीं किया गया है. इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे STAT 43 नंबर पे, ये कि हमने यहाँ पे भी बनाया जैसा कि आप देख सकते हैं 43 नंबर पे STAT, ये चार्जिंग का स्टेटस बताती है सीपीयू को कि कितना इसमें चार्जिंग वगैरह हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्टेटस के लिए यहाँ पे. उस पर आपको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर LDO 13 से पावर आईसी से एक लाइन आती है 1.8 की जो कि 10K के रजिस्टर के थ्रू इस पर आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा. और 39 पिन सिस्टम ऑन जो कि सीधा कैप के साथ ग्राउंड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 39 पिन में है सिस्टम ऑन, यहाँ पे सिस ऑन यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम ऑन जो कि सीधा ग्राउंड किया गया है कैप के साथ. इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे 32 OTG के लिए इसमें यूज नहीं किया गया है क्योंकि इसमें OTG सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसने इस आईसी से OTG को यहाँ पे यूज नहीं किया गया है. यहाँ पे DMDP की सप्लाई भी आप देख सकते हैं इस आईसी में DMDP की सप्लाई भी नहीं दी गई है क्योंकि डाटा प्लस डाटा माइनस को इसने जो हमारी PMIC है या CPU से है उससे यहाँ पे यूज किया गया है, इसको इन्होंने यूज नहीं किया है क्योंकि फास्ट चार्जिंग में DMDP का भी काम होता है. तो उन्होंने इसमें पावर आईसी में उसके कनेक्शन दिए हैं और CPU को वहीं से कनेक्शन दिए हैं डाटा प्लस डाटा माइनस के, इसमें यूज नहीं किया गया. इसके अलावा फ्रेंड जैसे हम यहाँ पे 5 वोल्ट वीबस इन करते हैं तो साथ ही साथ उसको ग्राउंड भी चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव ग्राउंड पी ग्राउंड के यहाँ पे 3 और 3 6 7 लाइनें होनी चाहिए. और 36 नंबर डायरेक्ट ग्राउंड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डायग्राम में भी बनाया है, ये पूरे 7 पिने इसकी ग्राउंड है जैसा कि आप देख सकते हैं. इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे थर्मल लाइन को एनसी छोड़ा गया 15 नंबर, और मैं आपको इमेज में भी बता देता हूँ 15 जो हमारी पिन है यहाँ पे थर्मल लाइन, जो जितने भी ब्लू कलर की लाइन्स देख रहे हैं आप ये सारे एनसी पिन है, इसका यूज नहीं किया गया है. चलिए इसके अलावा अगर बात करें वीबैट जो है फ्रेंड्स हमारा वीबैट का कनेक्शन जो है यहाँ पे 8 नंबर के साथ है, यहाँ पे सेंस होता है वीबैट कनेक्शन सेंस VSN यहाँ पे लिख के देख रहे हो, तो यहाँ पे भी 8 नंबर पे आप देख सकते हैं हमने वीबैट का यहाँ पे एक डॉट बनाया हुआ है. इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं
जैसे यहाँ पे वीबस इन होता है तो यहाँ पे इसकी स्विचिंग होती है, ये देख सकते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21, 25, 26, 27, 28, ये 3, 3, 6, 7, 8 पिनों में यहाँ पे स्विचिंग होती है जो कि हमने यहाँ पे बनाया, देख सकते हैं SW जहाँ पे लिख के आपको यहाँ पे, जैसे ये वीबस इन होता है PMID के पास आपको 5 वोल्ट मिलेगा और यही लाइन यहाँ पे कनेक्टेड होती है जहाँ पे आपको स्विचिंग यहाँ पे करवाई जाती है। और यहीं से आप देख सकते हैं एक डायोड पैरेलल में लग के है और ये जो बूस्ट कॉइल आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे L701 यहीं के इसी कॉइल के बाद में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहीं से ये वोल्टेज वापस से इन हो रहा है जिसे हम SYS सिस्टम कहते हैं। सिस्टम की 4 लाइनें यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मैं डायग्राम में भी आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं सिस्टम की 4 लाइनें यहाँ पे आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यही वोल्टेज आपको यहाँ से चार्ज आउट बन के बाहर निकलता है और यहीं से आपकी फास्ट चार्जिंग होती है। चार्ज आउट का मतलब होता है फ्रेंड्स बैटरी को चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज निकलते हैं उसे हम चार्ज आउट कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे VPH इन्होंने बताया है तो यही वोल्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज आउट के हमने यहाँ पे बना दिए हैं 4 लाइन जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जो IC हमने बनाई है फ्रेंड्स ये SMB 1350 आप इसे कह सकते हैं, 1351 आप इसे कह सकते हैं, सेमी IC होती है। तो ये जो बनाया है फ्रेंड्स किस तरह से आपको ये बनाना है, कैसे आपको इस पे काम करना है, कैसे ये सब चीज आप बना सकते हैं ये आपको सिखाएगी 4Fix हैदराबाद की टीम। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। नेक्स्ट बैच जो है हमारा 27 मई से है जिसमें लिमिटेड सीटें होती हैं, आज ही कॉल करें और अपने आप को एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाइए। खाली IC निकालने लगाने से काम नहीं होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल मत देखिए कि पास में कौन सा इंस्टीट्यूट पड़ता है, बिल्कुल मत देखिए कि फीस किसके पास कम है। दोस्तों हमारे पास हम मदरबोर्ड फ्री देते हैं, 10 से 12 घंटे क्लास होती है, लाइव प्रैक्टिकल कराते हैं, हर बच्चे से हम सेट ऑन करवाते हैं, 4G सेट हो, ब्लैक पेस्टेड हो, डुअल डेकर हो, आपके पास ऑन सेट से तो लेकर आइए, डुअल डेकर के उस पर लोगो वाले सेट है या प्रॉब्लमेटिक सेट है आप इसे लाइव डन करवाएंगे। इसके अलावा डैड मोबाइल को स्पेशली बनाना हम सिखाएंगे, कैसे डैड मोबाइल को बनाना है, शॉर्टिंग है, डैड है, लीकेज है, लो लीकेज है या फिर हाई बूटिंग ले रहा है, सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग है, प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग है। दोस्तों डैड मोबाइल बनाने में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, डैड मोबाइल में चेकिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ कहाँ पे चेक करना है, उसके शॉर्टकट मेथड्स क्या है ये आपको मालूम नहीं होते हैं, आप सेट वापस दे देते हैं और काम छोटा सा होता है, आप काम को बढ़ा देते हैं, CPU खोल देते हैं, MMC खोल देते हैं, पावर चेंज कर देते हैं, चार्जिंग AC बदल देते हैं, फ्लैशिंग कर देते हैं, प्रोग्रामिंग कर देते हैं, इसके बाद भी आपका सेट ऑन नहीं होता है। दोस्तों अगर सर्किट की प्रॉपर अगर नॉलेज होगी आपको तो आप ऐसे काम को बढ़ाएंगे नहीं बल्कि काम को सही तरीके से फॉल्ट को फाइंड आउट करके बहुत इजीली तरीके से उसे रिपेयर कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से सेट डेड हो जाता है, एक एक कंपोनेंट अगर मिसिंग हो जाए या ओपन हो जाए, शॉर्ट हो जाए, लीकेज हो जाए, आपका हैंडसेट डेड हो जाएगा। लेकिन आपको ये चेक करने आना चाहिए कि कहां कहां से हैंडसेट आपका डेड होता है, जो हम आपको सिखाएंगे क्लास के अंदर के ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स होते हैं, हमारा सालों का एक्सपीरियंस होता है, सालों का तजुर्बा होता है हमारा, आपको हम जरूर वो सारी चीज देंगे जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली आप हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के काफी सारे नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पर नीचे हमने डाले हैं, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर देखिए, पावर AC, चार्जिंग AC, CPU वगैरह कैसे काम करता है, फास्ट चार्जिंग कैसे काम करती है। इंडिया का ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो YouTube चैनल है जहां पे आपको सब चीज डिटेल में बताई जाती है। आप दूसरे इंस्टीट्यूट वाले शायद ही कॉपी करते होंगे, करने दीजिए, कोई परवाह नहीं है मुझे, लेकिन हमारे जो टेक्नीशियन भाई है वो लोग अगर सीख जाए इस चैनल से कुछ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हम डाटा शेयर नहीं करना चाहते हैं हमारा ताकि दूसरे लोग भी कॉपी करेंगे, बट क्या करें फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना जरूरी होता है क्योंकि जो टेक्नीशियन भाई है घर बैठे काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिसको पास उतनी सुविधा नहीं है, कहीं और जाकर सीखने के इंस्टीट्यूट आ नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए हम सॉल्यूशंस लेकर आते रहते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। दोस्तों ये जो भी हम डाल रहे हैं ये हमारे लिए एक तिनका है, एक समंदर तो आपको यहाँ आने के बाद ही मिलेगा, ये खतरा ही है जो हम दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। मोबाइल के अंदर फ्रेंड्स बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि यूट्यूब पे हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये हमारे टेक्नीशियन भाइयों के लिए है जो बैठ के काम कर रहे हैं, उसके पास
टाइम भी नहीं है कहीं आकर सीखने का, बहुत छोटे छोटे शहर में रहते हैं, घर चलाना होता है, दुकान को जाएंगे, तो ऐसे भाइयों के लिए हम सोल्यूशन लेकर आते हैं। अगर दोस्तों आपको अगर अच्छे से सीख रहा है, क्योंकि काम अगर वापस जा रहा है आपका, प्रॉपर तरीके से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरत है आपको अपने आप को अपडेट करने की। अपडेट करना क्यों है फ्रेंड्स, क्यों अपडेट करना है, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो आ रहा है, काम तो आ रहा है, लेकिन आप ज्यादा उससे कमा नहीं पा रहे हैं। आप बाजू दुकानदार को लेके जाके अपने सेट दे रहे हैं, आधी इनकम उसको दे रहे हैं, या तो फिर पेज डाल के हिट मार रहे हैं, या तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कहां पे चेक करें, कैसे चेक करें, कौन सी लाइनें चेक करें, कितना वोल्टेज आता है, कौन सी ऐसी क्या काम करती है, ब्लैक पेस्टेड ऐसी खोलने से डर रहे हैं, व्हाइट पेस्टेड ऐसी खोलने से डर रहे हैं, आप डुअल लेकर के सेट रिटर्न कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चालू सेट कस्टमर लेके आ रहा है, उसे बंद कर रहे हैं, कस्टमर से झगड़ा कर रहे हैं, कस्टमर से लड़ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास काम तो आ रहा है लेकिन वापस जा रहा है, तो जरूरत है फ्रेंड्स आपको अपडेट करने की, अपडेट होने की जरूरत है। तो जुड़ जाइए फोनफिक्स हैदराबाद टीम के साथ, आज ही व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए और कॉल करके अपनी सीट बुक करा लीजिए। नेक्स्ट बैच हमारा 27 मई से है, लिमिटेड सीटें हैं, आज ही बुक कर लीजिए और अपने आप को अपडेट करिए। ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें, इस तरह के वीडियोस में लेकर आते रहता हूं। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को आप हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भाई भी हमारे देखकर इससे कुछ नॉलेज ले सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपने क्या किया यहाँ पे? MMC चेंज किया सर, ब्लैक पेस्टेड MMC रिवॉल्व किए, ब्लैक पेस्टेड जी। ठीक है, ये आपका वीवो का फोन है जी। आपने इसमें आप कहाँ से बताना? एक बार फतेहाबाद हरियाणा जी। अच्छा, क्या नाम है? बलराम। अच्छा बलराम, तो बलराम ये आपने खुद से किया या किसी और ने किया? खुद ने किया। खुद ने किया, ब्लैक पेशर खुद ही निकाले, खुद रिवॉल्व किए। क्या क्या इसमें MMC और CPU निकाले? क्या MMC निकाला सर। अच्छा, MMC रिवॉल्व करके निकाले। निकालूंगा। तो ये आप पहले करते थे ये काम? नहीं करता था। हाँ, तो ये आप मतलब आज का आपका फर्स्ट टाइम था या ब्लैक पेशेंट करने का? फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम था जी। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है आपको IC रिवॉल्व करना, निकालना, क्लीनिंग करना? इजी लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है। पहले कैसा लग रहा था जब आने से पहले? बहुत हार्ड लग रहा था जब देखते थे YouTube पे, किसी और को देखते थे करते हुए। अभी देखता था सर, उसके लिए तो इजी, हमारे लिए तो बहुत हार्ड था। हाँ, तो पहले तो ऐसा लगता था हो ही नहीं सकेगा हमसे, लेकिन जैसे यहाँ पे आने के बाद जो सागर सर ने आपको ट्रिक बताया, काम करने का तरीका बताया, तो वो कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और फिर सर का पढ़ाने का तरीका, सागर सर ने इजी ट्रिक बताई हमें। हाँ, तो अभी मैंने चेक ऑन कर दिया। तो आप आज के आज में ही मतलब एक दिन के अंदर ही ये सारा काम हुआ? आज ही आपको बताए थे कि कैसे करना है काम, और आज ही आपने उसको फिक्स किया? ऐसा तो नहीं हुआ कि आज बताने के बाद 3-4 दिन लग गया बनाने में? नहीं सर, आज ही बताया था और आज ही हमने सक्सेस कर दिया। एक दिन के अंदर ही ब्लैक पेशेंट बना दिए? तो यहाँ पे आने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको बताना कि कैसे वही काम होता है यहाँ पे, आपको कैसे? बहुत बढ़िया से काम होता है सर, प्रैक्टिकल का टाइम अभी देखो 8:30 हो चुके हैं। हाँ, अभी सभी जो बच्चे हैं लगे हुए हैं। कितना टाइम लग रहा है प्रैक्टिकल, कितना टाइम कितना हो रहा है? 9-10 घंटे। 9-10 घंटे लग रहा है लगातार? लग रहा है। तो आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? इजी लग रहा है प्रैक्टिस करने में? इजी लग रहा है। तो जो हमारे भाई आने वाले उनके लिए क्या बोलेंगे कि ये सब जो बिना सोच समझ के भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, नहीं है कोई पेमेंट का कोई इशू नहीं है। ये भी आपके अमाउंट वेस्ट जाएगी, कोई पेमेंट वेस्ट नहीं जाएगी आपकी। ठीक है, ट्रेंड करके भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेटिस्फाइड है जी सर? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।